नमस्कार बच्चों, हैव अ नाइस डे। बच्चों, यह है स्टैंडर्ड 11th का सब्जेक्ट इंग्लिश का फाइनल एग्जाम का वीडियो नंबर 1, जिसमें मैं आपको पेपर स्टाइल समझाने जा रहा हूँ। बच्चों, जो आप लोगों की 80 मार्क वाली एग्जाम होने जा रही है, उसकी पेपर स्टाइल का यह है वीडियो नंबर 1। तो बच्चों, ये पूरी पेपर स्टाइल आप ध्यान से लिख लेना, और इसको रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है बच्चों। बस सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में मैंने आप लोगों को 5 ट्रू फॉल्स पूछे हैं, जिसके 5 मार्क्स है, बराबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से 10, जिसमें मैंने आप लोगों को नियरेस्ट मीनिंग पूछे हैं, जिसके हो गए 5 मार्क्स, बराबर। लेकिन इस टाइम मैंने आप लोगों को नियरेस्ट मीनिंग कुछ अलग प्रकार से पूछे हैं, मतलब कि मैंने एक ही शब्द पूछा है और उसका जो भी नियरेस्ट मीनिंग होता है उसका आपको जवाब लिखना है, उस प्रकार से। मान लो कि मैंने पूछा हो आपको स्लेंडर मतलब पतला, तो बराबर करके उसका जवाब आपको लिखना है वेरी थिन, उस प्रकार से। एक ही शब्द पूछा है और उसका जो भी नियरेस्ट मीनिंग हो आपको बाजू में लिखना है, बराबर। उसके बाद बेटा, मैंने आपको पूछा है एक फंक्शन वाला प्रश्न, उसमें क्या है बेटा कि ऊपर 3 से 4 ऑप्शन हो गए, बराबर। मैं क्वेश्चन में बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, बराबर। तो उसमें ना बेटा, ऊपर 3 से 4 फंक्शन के ऑप्शन हो गए और नीचे 3 वाक्य हो गए। क्वेश्चन 11, 12, 13 मतलब 3 मार्क्स हुए, नीचे 3 वाक्य हो गए। जिस वाक्य में ऊपर का जो भी फंक्शन लागू पड़ता हो वो आपको आंसर नंबर 11 में लिखना है, आंसर नंबर 12 में लिखना है, आंसर नंबर 13 में लिखना है, उस प्रकार से। मतलब फंक्शन वाला प्रश्न है, ऊपर हो गए 3 ऑप्शन, नीचे हो गए 3 वाक्य, जिस वाक्य में जो भी फंक्शन लागू पड़ता हो उसका आपको जवाब लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 फंक्शन वाला प्रश्न, 3 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 में भी मैंने ये प्रश्न आपको पूछा है, बराबर। इस प्रकार का ही प्रश्न है जो 3 मार्क्स के लिए है। आपको पता है बेटा कि ऊपर मान लो कि एक प्रकार से लिखा होता है, भाई ब्रैकेट दिए होते हैं, ब्रैकेट में 3 से 4 फंक्शन के नाम लिखे हुए होते हैं, नीचे 3 वाक्य हो गए। जिस वाक्य में जो भी फंक्शन लागू पड़ता हो तो आपको लिखना है, मान लो कि आंसर नंबर 15 शोविंग पर्पस, उस प्रकार से आप देख लेना, बराबर। अब हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 और 21, ये 5 मार्क्स के प्रश्न में मैंने आपको पूछा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ये भी एक प्रकार का फंक्शन बेस्ड प्रश्न है, फंक्शन के रिलेटिंग प्रश्न है। वापिस एक बार, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, 5 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 और 21 तक। अब उसके आगे बढ़ते हैं तो लिख लो आप, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रेज टू आंसर, 5 मार्क्स। प्रश्न का क्रमांक मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 और 26, इसमें मैंने आप लोगों को वाक्य में एक अंडरलाइन किया हुआ प्रश्न होगा, नीचे 4 ऑप्शन हो गए, बराबर, और उसमें से आपको जो भी प्रश्न बनता हो वो आपको सिलेक्ट करना है। वन टाइप ऑफ WH क्वेश्चन, मान लो कि बेटा सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन हो तो उसे प्रश्न बनता है, आप लोगों को बराबर से याद है, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर वापिस एक बार, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 और 26, बराबर, इसके हो गए 5 मार्क। सिलेक्ट द प्रॉपर क्वेश्चन, आप ऐसा 10वीं में एक बार पढ़ चुके हैं, बराबर। ये अब तक हुआ था सेक्शन ए,
क्वेश्चन 1 to 26 तक हुआ था क्वेश्चन सेक्शन ए। अब हम पहुंचे सेक्शन बी। तो बच्चों सेक्शन बी में मैंने आपको पूछा है सबसे पहले 8 मार्क के पैराग्राफ वाले सवाल जवाब, बराबर। हम एक काम करते हैं बेटा कि सेक्शन बी की शुरुआत में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो से करूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।